हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ब्रिजेश ठेनुआ ब्रिजेश ठेनुआ ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ये मेरा यूट्यूब का 8वां ब्लॉग है, 8th ब्लॉग। और अभी तक 7 जो ब्लॉग मैंने अपना बनाया है उसमें आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। डेली का एक दिन में पूरा नहीं होता ये मेरे को भी पता, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि भाई अब 8वां मेरा वीडियो रहेगा, ये इस बार बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि अगली बार हम जाने वाले हैं। अगला वीडियो मेरा रहेगा जनता केव्स का, जो कि आपको गेट ऑफ इंडिया से वहाँ से बाय शिप जाते हैं और वहाँ जाके सुबह हम यहाँ से निकलेंगे 8 बजे और वहाँ गेट ऑफ इंडिया पहुँचेंगे हम 9:30 बजे करीब, और 11-12 बजे तक मैं जनता केव्स पर रहेंगे, पहुँच जाएंगे उस टाइम तक। और शाम तक 4 से 5 बजे तक हम वीडियो व्लॉग बनाएंगे अपना बेस्ट बेस्ट लोकेशन का, और उसके बाद हम शाम को लौट के आएंगे। पूरा आपको ट्रैवल का हम पूरा की पूरा शूट आपको देंगे, अपने का हमारा सफ़र कैसे रहा, क्या क्या किया। अगर कभी आप आना चाहें तो आप किस तरीके से जा सकते हैं, आपका कितना चार्ज लगेगा, बेस्ट रहने के लिए कहाँ आपका जो है सबसे सस्ता जगह रहेगा, होटल वगैरह की पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरा सिस्टम बताया जाएगा। और भाई मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से लोगों को शेयर किया करें। भाई ऐसा होता है कि हम तो वीडियो बना सकते हैं। आज ऐसा हुआ मेरे को वर्सोवा बीच में, दरी मेरा जहाँ रहता हूँ वर्सोवा बीच में, एक मेरे को यूट्यूबर मिला, लेकिन वहाँ पर मैं भी अपना ब्लॉगिंग कर रहा था। ब्लॉगिंग करते करते मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया कि मेरा माइंड ख़राब हो गया। किसने ऐसा ऐसा बात कहा, वो कह रहा था कि यूट्यूबर तो बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये वो हर किसी की बस की बात नहीं है, और इस फ़ोन से तो होगा ही नहीं। कि उसके पास एक तो एप्पल का 13 प्रो मैक्स था, iPhone 11 प्रो मैक्स, और उस पर DSLR था। ये तो पता नहीं DSLR कई कंपनी के होते हैं, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। DSLR था उसके पास, 3 लड़कों की पूरी टीम थी, और उसका मोनेटाइज चैनल हो चुका है, चैनल मोनेटाइज उसका, इस वजह से थोड़ा बोल रहा था। फिर मैंने उससे कहा भाई जिद तो करता नहीं हो पर इतना है ज़रूर है कि स्टार्टिंग मैंने कर दिया है, और मेरा नाम याद लिख लेना ब्रिजेश ठेनुआ ब्लॉग्स, और ब्रिजेश ठेनुआ मेरा नाम है, इसको अपने डायरी में नोट कर लेना और 1 साल बाद मेरे से बात करना। आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे ना हो तो फिर मेरे से कहना भाई, बस मेरी बात को बनाए रखें, जा सला वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई ऐसी ऐसी वीडियो ला के दूँगा, वैसे इसी मोबाइल से बना के दूँगा भाई आपको। मैं स्टार्टिंग अभी 5-6 वीडियो रहे, मैं इसी से अपलोड करूँगा क्योंकि अभी ये मेरा बजट नहीं है इतना कि दूसरा मोबाइल भी ले लूँ। कोई भी एप्पल छोड़िए, मैं कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं ले सकता, उस वक्त ऐसी स्थिति है मेरी, क्योंकि यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है भाई। क्योंकि यहाँ पर रूम लिया है, डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है, रूम का रेंट भी देना पड़ा है, और भाई खाने के लिए खाना पीना भी बहुत महंगा, सबसे बड़ा तो ट्रैवल पड़ जाता है भाई, कि आना जाने में पैसा खर्च होता है, और यानी सब चीज़ पैसों से बहुत महंगा है। पानी भी महंगा मिलता है भाई, सब चीज़ सारी कोई भी कुछ भी चीज़ फ्री नहीं मिलती इधर, सारी चीज़ें महंगी होती है। अपने यूपी में मथुरा चले जाए, पानी तो आपको फ्री मिल जाएगा, खाना फ्री मिल जाएगा भाई ब्रजनगरी है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी फ्री नहीं भाई, बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा बस आपसे ये अनुरोध है, आप मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 50+ मेरे सब्सक्राइब करिए इस वीडियो पे। और भाई अगला वीडियो मेरा रहेगा अजंता केव्स का, फिर बताना भाई कि मेरा जो प्रोग्रेस लेन तक कैसा चल रहा है, कमेंट जरूर कर दिया करें, और कमेंट मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि मेरा अजंता केव्स जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले भाई, हमें लगना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पता तो हो। आप लोग बताएंगे तभी तो मेरे को पता लगेगा, आप मेरे को गाइड करते रहिए कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, मेरे को आप कमेंट करिए और आपके अनुसार ही मैं चलता रहूँगा। यहाँ का मैं 1 महीने और रुकूँगा या बॉम्बे में, यहाँ की बेस्ट लोकेशनों को आपको मैं पूरा प्रॉपर वीडियो अपलोड करके दूँगा, और एग्जैक्ट लोकेशन जबरदस्त रहेगा आपका। जब भी आपका यहाँ घूमने का मन करे तो आपको उसका भी डिटेल मिल जाएगा, आपको बॉम्बे के अंदर सबसे सस्ता होटल कहाँ मिलेगा, लॉज वगैरह चाहिए लॉज वगैरह कहाँ मिलेगा, अगर आपको रूम चाहिए तो रूम सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा बहुत कम डिपॉजिट में, और ट्रैवल ये ब्लॉग आपको बनाने तक कहाँ के लोकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे यह बॉम्बे में आगे परेशानी हो जाती है कि बहुत लोगों को टूर का पता नहीं रहता है कि कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, और टैक्सी वाले आपको पता ही है, अगर फ्रेशर है कोई बाहर का है तो आप तो बस यही मान लीजिए अपना पर्स खाली करते रहिए, बिल्कुल जहाँ 10 रुपये खर्चों में आपको 100 रुपये करना पड़ेगा। यह मैं सब लोगों की नहीं कह रहा हूँ टैक्सी वालों के, लेकिन मतलब बहुत से ऐसा है कि मेरे साथ ऐसे बन गया, क्योंकि मैं मरीन लाइन से बैठा था वो आपका वानखेड़े के लिए, बेलवन स्टेडियम के लिए, वानखेड़े के बगल में पड़ता है बेलवन स्टेडियम, तो मैंने टैक्सी वाले से मैंने कंफर्म करके बताया था, मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर मैंने मैप के थ्रू देखा था मरीन लाइन के पास है,
तो मैंने उनसे कहा भाई यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आप कितना पैसा लोगे? उनके 50 रुपीज़। मैंने सर ऐसा है आपका मीटर कितने से स्टार्ट होता है? अगर 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है 30 रुपये से, मैं ठीक है आपको 30 रुपये दूंगा अगर उस डिस्टेंस का हिसाब होता है उसमें, अगर उससे उसमें लिमिट रहती है, 1 जन 2 जन 3 किलोमीटर का लिमिट रहता है, उसके बाद उसका मीटर स्टार्ट होता है, यानी 30 रुपीज़ कंपलसरी देना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है मीटर चालू कर दीजिए। आपने मीटर 30 रुपये बता रहा था मेरे से, मैंने 100 रुपये का नोट दिया उसे, उसने 50 मेरे को लौटाया, 50 का था 50 रुपीज़ आपके हो गया। तो इस वजह से कह रहा हूँ यहाँ आए सतर्क करके रखिए, कोई जानकारी हो जब भी भाई, ये बॉम्बे नगरिया है, बहुत ही तेज आदमी चाहिए होते हैं भाई इधर। ठीक है भाई, मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें भाई, 50+ करना है, उस यूट्यूबर को दिखाना है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिजेश छेनुआ आप ही का है भाई, आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बस यही बार बार कहना चाहता हूँ आपसे मैं। और जैसे ब्रज नगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, हर बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, इन्हीं दो शब्दों को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रोग्राम। ओके।